फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सनमिलिता। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं उनको वेलकम, और जो लोग मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं उनको वेलकम बैक। दुर्गा पूजा बस आने ही वाली है, कुछ की बस और देरी है। हम लोग काउंट कर रहे हैं, वी बंगालीज हमेशा काउंट करते रहते हैं कि दुर्गा पूजा कब आएगी। ये लुक क्रिएट कर रही हूँ कि नवमी की रात को आप कैसा लुक क्रिएट कर सकते हैं। इस लुक को आप मॉर्निंग में भी कैरी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल से सोबर सा मैंने ये लुक रखा है। चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं आज के मेकअप लुक। मेकअप का जो बेस होता है वो प्राइमर से स्टार्ट होता है। अगर आप अच्छे से प्राइमर अप्लाई नहीं करेंगे तो बाकी का मेकअप सही से बैठ नहीं बैठेगा। उसके बाद मैंने कलर करेक्टिंग कर रही हूँ। इसके लिए मैंने इनसाइड कॉस्मेटिक्स का कलर करेक्टिंग इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद 925 लैक्मे का मैं ये फाउंडेशन ले रही हूँ। मुझे बहुत ही कम मिनिमम फाउंडेशन अप्लाई करना अच्छा लगता है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। उसके बाद एक वेट ब्लेंडर की मदद से मैं अच्छे से मेकअप को सेट कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने अपने आईब्रोज कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पे कंसीलर से मैं अपने अंडर आईज को कंसील कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ये आई शैडो पैलेट में से ये कुछ कलर्स, मैं बहुत ही मिनिमम सा कलर मैं इसके लिए अप्लाई कर रही हूँ। तो बहुत ही हल्के हाथों से और सर्कुलर मोशन पे हमें आई मेकअप जो है वो ब्लेंड करना है। उसके बाद ये ब्राउन कलर में ले रही हूँ और अपने क्रीज में उसको अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद एक ब्लैक कलर से मैं अपने एक लाइनर क्रिएट करूँगी, और लाइनर क्रिएट करके उसको मैं स्मच करूँगी। मेकअप कंप्लीट होने के बाद अपने कंसीलर को लेके जितने भी फॉल आउट हुआ था उसको मैं क्लीन करूंगी, स्पेशली जो विंग है उसको। उसके बाद ब्लेंडर से उसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर लिया है जो मैं अपने इनर कॉर्नर में अप्लाई करूंगी। आई मेकअप ऑलमोस्ट डन है, और जहाँ पे मैंने कंसील किया था लूज पाउडर से मैं उसको सिक्योर कर रही हूँ, और उसके बाद उसको डस्ट ऑफ कर दे रही हूँ। मैं उसको ज़्यादा देर तक नहीं रखूंगी, कॉन्टोर और ब्लश से फिनिश करूंगी। बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि गर्मी का मौसम है। एक बन जैसा मैंने करवा लिया है, आप चाहे तो कोई भी हेयर स्टाइल आपके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। साड़ी का जो मेन अट्रैक्शन है वो है इसका पल्लू। लुक एट द, ये पूरे साड़ी में है, और टैंक टॉप के साथ मैंने इसको वेयर किया है। और गले में है इस तरह का चोकर जो कि मैंने अपनी एक फ्रेंड की तरफ से लिया था, किसी को गिफ्ट करने के लिए लिया था मैंने 3-4 साल पहले, आई गेस कोविड के टाइम पे मैंने लिया था। और अनफॉर्चुनेटली ये डिलीवर इतना लेट से हुआ तो मैं उनको गिफ्ट और चीज़ उनको गिफ्ट करना पड़ा, और तब से ये चोकर मेरे पास ही पड़ा है। और आज फर्स्ट टाइम मैंने इसको वेयर किया है, और इसके कान में इसके साथ इसके झुमके हैं वेयर किया है, वो है नायका का ये वाला लिपस्टिक। दुर्गा पूजा आ रही है तो उसके लिए ही मैंने ये स्पेशल लुक मैंने क्रिएट किया है कि नवमी के दिन रात में आप किस तरीके का लुक सिंपल सा सोबर सा आप क्रिएट कर सकते हैं। तो दिस इज़ माय फुल लुक, और इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट्स बनाया है अभी उस रूम पे जाके, तो आप वो शॉर्ट्स देख सकते हैं। तो आप उसमें पूरा साड़ी कैसा दिख रहा है तो वो आपको उसमें से दिखेगा। दिस इज ऑल आई कैन शो यू राइट नाउ। मेरा रूम बहुत ही छोटा है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, उसकी वजह से मैं खड़े होकर पूरे लुक को नहीं दिखा सकती। इसके ऊपर मैंने एक रील बनाया है, आप चाहे तो उस रील को जरूर चेकआउट करिएगा मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। उस रील पे मैंने अपना फुल लुक टायर है पहनने के बाद फुल लुक में मैं कैसी दिख रही हूँ उस रील पे मैंने वो शेयर किया है, तो आप वो रील जरूर देखिएगा। आई होप ये ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर ये लुक आप रिक्रिएट करते हैं या फिर ये ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल रहा है, प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और अपने कमेंट्स और अपने थॉट्स साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।